हमारे जमाने में माँ बाप मुंडी पकड़ के दीवार से मार देते थे। एक थप्पड़ ही तो मारा था कमल ने, ऊपर से हमारी बेटे की वो रंभा। ना जाने क्या जादू किया है बच्चों पे, सब उसके पल्लू से बंधे हुए घूमते रहते पीछे पीछे। रेखा, ऐसा तो नहीं है कि कहीं वो सुनंदा या हमारी बिटिया को अपने पल्लू से बांध के ले गई हो? ओह माय स्वीट नानी, आप ना थोड़ा चिल किया करो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा इंतजार कर लो, आ जाएगी अनन्या। मेरी प्रिय राधा रानी, आपके पास में कुछ पैसे वैसे होंगे क्या? वैसे तो हम अनन्या बिटिया को पैदल भी खोज के ला सकते हैं, लेकिन टाइम लग जाएगा ना थोड़ा है? और अगर रिक्शा से जाएंगे तो यूं चुटके में पूरा शहर छान मानेंगे। अरे जमाई बाबू जी। बेटा पैसे की चिंता मत करो, बस इस घर की इज्जत को जल्दी से जल्दी वापस ले आओ। हाँ हाँ अम्मा जी, बस आप आशीर्वाद बनाए रखिएगा। अनन्या बेटी हम अभी आ रहे हैं रिक्शे में, 500 रुपए लेके। हाँ हेलो, ईमानदारी का पान खा के झूठ तो बोलते नहीं हम हैं, आ रहे हैं। और सुनो 500 वाली तैयार रखना ठीक है। हमारी बेटी ना समझ है, गलती हो गई उससे, अपराध नहीं किया है उसने जो रात जेल में बितानी पड़े। छोड़ दीजिए इसे। जब तक अदालत इस केस का फैसला नहीं सुना देती मैं कुछ नहीं कर सकता। कहां कोर्ट केस के चक्कर में फंसा रहे हैं, लड़की है, नाम के आगे थाना कचहरी लग गया तो हम सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। फिलहाल आप किसी ने बेल पर ही बाहर ले जा सकती, आप किसी वकील से इनकी बेल करवा लीजिए। बेल? आप हमें हमारा काम मत सिखाओ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मन से जुड़ी कोई चीज मेरे आसपास है। मम्मी, मम्मी, क्या हुआ? आप ठीक तो हो ना? नहीं मम्मी, इतनी चिंता नहीं करो आप, मैं ना हम करते कुछ ना कुछ, रुको। देखिए इंस्पेक्टर साहब, बहुत हो गया अभी ये ड्रामा, आपकी वजह से हमारी मम्मी की तबीयत खराब हो गई है, अब आप देखिए हम क्या हल करते हैं। और शौक है ना आपको गिरफ्तारी करने का, तो उठाइए जरा अपने कानून की किताब और पढ़िए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के सेक्शन 46 के तहत शाम ढलने के बाद आप महिला को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, और अगर ऐसा करना पड़ा तो लेडी कांस्टेबल के साथ करना होता है, वरना गिरफ्तारी मान्य ही नहीं होती है, जो कि आपने किया नहीं। बताइए कैसा केस और कैसी बेल? क्या कर रही हो अनन्या, हम प्यार से बात कर रहे हैं ना, शांत हो जाओ। प्यार की भाषा समझ में नहीं आती इनको मम्मी, गुंडे ये लोग, और इनकी गुंडागिर्दी तो अब हम मीडिया में निकालते हैं, प्रेस के सामने जब नाम उछालेंगे और सीधा सस्पेंड होकर घर बैठेंगे ना तब अकल आएगी। ठीक है ठीक है, चलो जाओ यहाँ से। इज्जत से बोलेंगे जरा। अच्छा तो अब जा सकती हैं आप। थैंक यू, थैंक यू, चलो मम्मी। महादेव थैंक यू, थैंक यू महादेव। अरे वाह, तुम तो बहुत समझदार हो, तुम्हें कैसे पता ये सब?
मम्मी इंटरनेट हर ताले की चाबी है, सब कुछ है वहाँ पे। अच्छा है, वरना केस का नाम सुन के तो हमारी जान ही निकल गई थी। हमारी भी। अगर तुम्हारे पापा को पता चलता तो हम दोनों को गंगा जी में डुबो डुबो के मारते। वाकई। अब हवलदार साहब, क्या हुआ? सर, आपके फोन से फोन कर सकता हूँ मैं? सिर्फ एक मिनट के लिए। क्या ना कि बेल करवाने के लिए किसी को फोन तो करना पड़ेगा, बुलाना पड़ेगा ना यहाँ पर। कहाँ जा रही हो? वो इंस्पेक्टर साहब को शुक्रिया बोलने जा रहे थे। तूफान के तेज झोंकों में भी ये लौ डट के खड़ी है, ये इस बात का इशारा है कि मेरा हथियार मेरे करीब है। आज भले ही तू इस भीड़ में खोया है, पर है तो इसी भीड़ का हिस्सा। आज नहीं तो कल तू मेरे सामने आ ही जाएगा, और अब अनन्या को दुगना प्यार दूंगी मैं, क्योंकि उसकी जान की कुर्बानी जो देनी है। गले से खून निकल आया और तू है कि तेरे कान पे जू तक नहीं रेंग रही। अरे क्या टुकुर टुकुर नीचे देख रही है? तेरे बाप की बारात निकल रही है क्या? चल भीतर। दोबारा दिखे ना हमारे पीछे आए तो हमारे खून से अभिषेक करेंगे हम महादेव का। आइंदा ना देख मत जाना हमारी गली में, वरना हम तो बड़ी अजीब लड़की है। मतलब भागी तो ऐसे जैसे कोई भूत देख लिया हो इसने। आनंद की आंखों को पढ़ना जानते हैं हम। सच सच बता, कहाँ थे उस दिन तुम दोनों? गलत कहता है कमल, खामी हमारी पोती में नहीं, खामी तुझ में है। जिस दिन से तुमने इस घर में कदम रखा है ना, एक पल भी चैन और सुकून का नहीं बीता है हमारा। तुमने हमारी पोती को भड़का रखा है, जादू और टोने से अपने जाल में फंसा रखा है तूने। अम्मा जी। अरे अम्मा जी, क्या कर रही हैं आप? उठिए, आप इधर कर दीजिए। बाबू जी, उठिए भाभी, उठिए उठिए। भाभी जी, आप कमरे में जाइए, हम अम्मा जी से बात करते हैं। जाइए।
अरे अम्मा जी क्या है ये सब है? क्या है बताइए तो? हमें कोई शौक थोड़े ना है जमाई बाबू जल्लाद बनने का। वो तो हम अपनी पोती के मुंह में बहे जाते हैं और ये कल मुंह ही उसे हमसे दूर किए बैठी है, इसीलिए ये रूप धारण करना पड़ता है जमाई बाबू, ताकि उस चुड़ैल को उसकी औकात और उसका दायरा दिखा सके। अरे ये क्या कर रही है, इसे हमारे सिर पे बिठाएगी क्या अपनी अम्मा को? जा यहाँ से, हम समझ गए इसकी कोई गलती नहीं है। चले जाएंगे दादी, लेकिन पहले आप जरा हमारी मम्मी को सॉरी तो बोलिए। कब बोला गई हो इस चुड़ैल को हम सॉरी बोले काहे के लिए? आज नहीं मारा ना इसने हमें, मौका मिला तो कल मार देगी। वो तो भोलेनाथ की कृपा है जो उन्होंने इशारा कर दिया कि इससे बच के रहे हम। हम कह दे रहे हैं अगर आइंदा से हमारे या हमारी मम्मी के लिए कोई भी अड़चने पैदा करने की कोशिश की है ना, तो महादेव की कसम वीडियो सिर्फ दिखाएंगे नहीं, वायरल कर देंगे, समझे? नालायक, बच्चे की जान लेंगे क्या? जान तो जाएगी किसी ना किसी की। नहीं दाई माँ, आप समझ नहीं रही हैं। मैंने आज खुद पर से ऑलमोस्ट कंट्रोल खो ही दिया था। पर मन में ये समझ में ना आ रहा है बेटा कि उस लड़की से तेरा रिश्ता क्या है। चाहे अनचाहे एक दूसरे की तरफ खींचे चले आ रहे हो, कहीं ये महादेव का इशारा तो ना है कि तुम दोनों को साथ ही रहना है? भाई माँ, मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ और आप क्या बात कर रही हैं? अच्छा बाबा, सॉरी बस। पर तुम फिकर मत करो बेटा, भोलेनाथ के पास हो तुम, जिस तरह महादेव ने हमेशा तुम्हें संभाला है आगे भी संभाल लेंगे। ठीक है। अच्छा दाई माँ, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ, कुछ काम है मुझे। बाय। जी ईमानदारी का पान खा के पूछ रहे हैं, राहुल को सब कुछ समझा दिया है ना, आज की चाल उल्टी नहीं पड़नी चाहिए। हाँ फिकर मत करो, हमारा बेटा सब संभालेगा, तुम तो बस अम्मा को जाने फंसाओ, वो भी इतनी शांति से कि अन्या को बनक भी न लगे। अरे पंडित जी कहाँ रह गए, आइए आइए पंडित जी, आइए आइए। आइए पंडित जी, इनसे मिलिए, ये है हमारी देवी, हम सब की माँ। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम प्रणाम। रेखा, इनका परिचय क्या है? अम्मा, ये बहुत ही मशहूर पंडित हैं, बड़ी सिद्धि प्राप्त की है इन्होंने। और अम्मा जी, ईमानदारी का पान खा के हम दूर तो बोलते नहीं है, ये तो माटी में लकीरें देख रही हैं आप। इन्हें देखते ही पंडित जी ने कहा, बेटा
घर के बुजुर्ग से मिलाओ, बहुत जरूरी बात करनी है। आइए पंडित जी, चलिए बैठिए। बताइए पंडित जी, क्या हुआ? हम ही हैं इस घर के बड़े। संकट, घोर संकट मंडरा रहा है आपके सर पर। मौत तांडव कर रही है और कभी भी आपको अपनी जाल में फंसा सकती है। हाय महादेव, अब कल ही तो मरते मरते बचे हैं हम। पंडित जी, कोनो उपाय हो तो बताइए। हम महादेव को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इतनी जल्दी हमें नहीं जाना उनके पास। महामृत्युंजय का जाप करवाना पड़ेगा। ठीक है पंडित जी। महामृत्युंजय का जाप करने से आपको आपका रखवाला मिलेगा, जो आगे चलकर आपका उत्तराधिकारी बनेगा। जैसे आप कहें पंडित जी, हम अभी जाके मंदिर में महामृत्युंजय जप का संकल्प ले लेते हैं। अच्छा तो हम चलते हैं। प्रणाम। चलिए जमाई जी, हम जरा मंदिर चलते हैं। अरे अम्मा जी, आप संकल्प लेके आइए ना। हम मंदिर जाके आते हैं। बाढ़ में जाए बुढ़िया मेरी बला से। मुझे तो बस इतना चाहिए, मेरा मन और अनन्या जल्दी मिल जाए, ताकि मेरा मकसद सफल हो। बचवा, अंदर दाएं हाथ को तुम्हारा कमरा है, आराम से अपना घर समझ के रहना। और हाँ, कहीं जाना मत। लो, ये दादी फिर से उठा लें उसे। आज तो ना हम उसका परमानेंट इलाज करके रहेंगे। इस लड़के को यहाँ पे नहीं रहने देंगे हम मम्मी। अनन्या, छोड़ो उस लड़के को। क्यों उस लड़के के पीछे पड़ी हो? रहने दो उसे अकेले। मम्मी, मैं ऐसे उस लड़के को घर से बाहर निकालने नहीं दे सकती। अगर वो मन हुआ तो हम अभी तुम्हारे लिए भोजन का प्रबंध करके आते हैं। हाँ जी। केतकी, चल बेटा मेरे साथ। हाँ हाँ, आजा। ये सामान। गजब के ढीठ हो तुम, मतलब क्या चाहते हो? जब तक धक्के मार के घर से नहीं निकालेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा तुम्हें शायद। मन है। ये तो हमारा झुमका है। निकम्मे तो तुम हो ही, चोर भी निकले। क्यों चुराया हमारा झुमका?
उसको बेच के कमाई करने का इरादा था या फिर लड़कियों की चीजें चुराने का पागलपन सवार है तुम्हारे ऊपर? बस किसी और पे उंगली उठाने से पहले जरा खुद को देखो। और पहली बात, मैं चोर नहीं हूँ, तुम झूठी हो। और उस दिन मंदिर में मेरी भस्म पूजा के बीच में आकर मेरी पूजा भंग की तुमने, और अपना झुमका मंदिर में छोड़ गई और मेरा उपवस्त्र अपने साथ ले गए। उपवस्त्र कहाँ गई थी तुम? अरे मंदिर गए थे भाई, इतना भीड़ भाड़ का इलाका था तो फंस क्या होगा किसी का उपवस्त्र हमारे दुपट्टे में। अब जरा तुम बताओ, इरादा क्या है तुम्हारा? उसको बेचकर पैसे कमाने का इरादा था या फिर लड़कों का सामान चोरी कर उसे अपने पास रखने का पागलपन है तुम्हें? और सिर्फ यही नहीं, उस दिन वो एक्सीडेंट तुमने किया था फिर भी तुम्हारी गाली मैंने सुनी, गलती तुम्हारी, जेल में गया। और आखिरी और तीसरी बार, तुम्हारा भाई, तुम्हारा झगड़ा, लेकिन टाइम वेस्ट मेरा किया तुमने। तुम्हें पता कि तुम झूठी के साथ साथ ना साइको भी हो, और सिर्फ यही नहीं, सेल्फिश भी हो तुम, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है और किसी के बारे में नहीं। अरे अगर इतने ही बुरे हैं हम तो निकल जाओ ना हमारे घर से, क्यों बर्दाश्त कर रहे हो हमें? हम बताते हैं क्यों, क्योंकि तुम मुफ्तखोर हो, सरकारी नौकर हो ना। मुझे यहाँ रहने का शौक नहीं है, वो तुम्हारी दादी जबरदस्ती ले आई मुझे यहाँ पर। तो तुम क्या 2 महीने की लल्ला हो जिसके मुंह में जुबान नहीं है? मना नहीं कर सकते थे उनको? तुम में हिम्मत है ना तो जा, अपनी दादी को जाकर कह दो मेरी तरफ से कि हम यहाँ नहीं रहना चाहते। हाय मेरा लाल, अनन्या से बहस में इसका भगवान ना जीत पाए, लेकिन ये लड़का टक्कर दे रहा है उसे। इसकी ऊर्जा, इसका स्वभाव बार बार मुझे यही एहसास दिला रही है कि ये मन ही है। सो जाओ कमल, क्योंकि अब मैं अपना बहुत जरूरी काम करने जा रही हूँ। मुझे हर हाल में जानना है कि वो मेरा मन है या नहीं। आखिरी सौगात है ये, यही मुझे बताएगी कि वो मेरा मन है या नहीं। ताकत से बनी है सुई मेरे यकीन को सच में बदलेगी। जैसे ही मैं मन का खून लेकर इस सुई को इस रेत में डुबाऊंगी, ये रेत काली पड़ जाएगी, पर ये काम बहुत ध्यान से करना होगा मुझे, क्योंकि इंसानी खून इस सुई को बेअसर कर देगा, मेरा अपना खून भी इसे बर्बाद कर देगा।
शिव। तुम यहां क्या कर रही हो? मुझे ऐसा सपना क्यों आ रहा है? कहीं अनन्या का मेरा अतीत से कोई नाता तो नहीं? बचपन में तो अपने घर रसगुल्ला और खजूर को बचा नहीं पाया, लेकिन इस बार अनन्या के ऊपर इस शराब का कोई असर नहीं होने दूंगा। अचानक ऐसा सपना क्यों आया मुझे? क्या रिश्ता है मेरा अनन्या से? माँ हूँ मैं तेरी, जब से कोक में आया है तब से लेकर अब तक सिर्फ तरसाया है तूने मुझे, पर जब तूने इस रिश्ते की लाज नहीं रखी तो मैं क्यों रखूं? एक बार ये तय हो जाए कि तू ही मेरा मन है, उसके बाद मैं चलूंगी अपनी दूसरी चाल। जो रिश्ता 20 साल पहले जोड़ा था मैंने, उसे मैं पूरा करूंगी ताकि अनन्या की कुंडली का दोष पूरा हो सके। मेरा मन उसे मार कर मुझे शक्तियां दे सके।